नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का पूजा अग्रवाल्स किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक झटपट सी और बहुत ही चटपटी सी सब्जी लेके आई हूँ। बहुत ही चटपटी सब्जी है ये और एकदम देसी स्टाइल में मैं सिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को। ये आलू प्याज की सूखी सब्जी, ठीक है, ये आप टिफिन में आराम से कैरी कर सकते हैं, राइस के संग रोटी के संग खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आलू थे उसके मोटे मोटे टुकड़े काट लिए और प्याज के एक प्याज के 6 टुकड़े मोटे मोटे काटने, मतलब प्याज के टुकड़े छोटे नहीं काटने, थोड़े मोटे काटने हैं, ठीक है। अब कढ़ाई मैंने इसको वॉश कर लिया मैंने ये प्याज और आलू को, ठीक है। अब ये कढ़ाई चढ़ाया, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, ठीक है, सरसों का तेल डाला है, ठीक है। अब इसमें तेज पत्ते 2 डालूंगी मैं और एक सूखी लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा जीरा और बहुत ही ज़रूरी चीज़ क्या है, हींग, ठीक है। इसे लाल होने देती हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल देसी सब्जी है फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त, टिफिन में आप लेके जाइए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए जीरा सिक गया, अब मैं गैस को थोड़ा कम करके और ये आलू और प्याज डाल देती हूँ। अब मसाले डालते हैं, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च हम लोग लास्ट में डालेंगे फ्रेंड्स। अभी इसे कवर करके पकाऊंगी जब तक ये थोड़ा सॉफ्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तेल इसमें थोड़ा अच्छे से डालना है फ्रेंड्स, तेल की कमी मत करिएगा, ये सूखी बनती है और बहुत ही मज़ेदार। आप चाहे तो कुछ पीसेस लहसुन के, गार्लिक के और थोड़े से हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बट इसमें ये सूखी लाल मिर्च और इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, उसका ही मज़ा अलग आएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्ची डाल दी हरी मिर्च और अब धनिया पाउडर डाल रही हूँ, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया, धनिया पाउडर डाल रही हूँ और लाल मिर्च, अब इसे मिक्स करूंगी मैं और थोड़ा सा आधी कटोरी मतलब पानी देके थोड़ा सा फिर मैं वापस से जाने के लिए इसे रखूंगी। अभी आधा पका है फ्रेंड्स, आधा और पकेगा, पानी के साथ पकाएंगे अभी से, ठीक है, सीझा नहीं है अभी ये पूरी तरह से। देखिए मसाला मैंने मिक्स किया है, ये डाल दिया पानी, मिक्स कीजिए और कवर करके पकाइए। फ्रेंड्स ये हो गया, इसमें मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी है, ठीक है। आपको अगर मन हो तो थोड़ा सा आप ग्रेवी और कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे सर्व कीजिए रोटी के संग या राइस के संग, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।